गुड इवनिंग एंड अ वेरी वॉ वेलकम टू द ब्लैक होल टूडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दी पावर ऑफ बाउंड्रीज इन नर्चरिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स एंड वी विल लर्न हाउ सेटिंग क्लियर पर्सनल लिमिट्स कैन लीड टू स्ट्रोंग कैन लीड टू स्ट्रॉगर कनेक्शंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इंश्योरिंग हारमोनी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वनज लाइफ एंड हैज द टाइटल जो आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पर देख सकते हैं द की और मे आई इसे वन ऑफ वाइटल कीज टू हेल्थी रिलेशनशिप्स वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आर स्पीकर मेरे दाएं जानब तशरीफ़ फरमा है। रमल राजा शीज़ा साइकोथेरेपिस्ट एंड ट्रामा इन्फॉम थेरेपिस्ट पैशन फॉर मेंटल हेल्थ एडवोकेसी शी सर्वस एज दसिस्टेंट डायरेक्टर एट एल पी डी सी दैट इज लीडरशिप एंड प्रोफेशनल डिवेलपमेंट सेंटर मोर ओवर आपकी साइकोलॉजी में मास्टर्स है फ्राम कैद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इसके अलावा आपका डिप्लोमा है डिप्लोमा है इन इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी फ्रॉम द यूके हर एक्सपर्टीज लाइज इन गाइडिंग इंडिविजुअल्स थ्रू देयर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस ऑफरिंग एंड अफेक्टिव थेप्योटिक इंटरवेंशन अब सब लोगों की आमद का शुक्रिया uh, रोजाना की कितना प्लीज डू अ फेवर एंड टर्न योर सेलफोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन और हमारी तवज्जो गुफ्तु पर ही रहे मोर ओवर व्हेन द हाउस इज ओपन फॉर ओपन डिस्कशन एंड क्यू एंड ए आप जरूर उसमें शरीक होइएगा और मेंटल हेल्थ और इस तरह के मामला ऐसे हैं जिसमें आप लोगों का इनपुट जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट ताकि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए फिर आप माइक्रोफोन आने के बाद जब बोलेंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो रिकॉर्डिंग में भी आएगी रोन ऑन और ऑनलाइन ऑडियंस on, तक भी जाएगी बस यही थी दो तीन बातें प्लीज़ वेलकम रमल राजा थैंक यू थैंक यू नीर हेलो एवरी वन गुड इवनिंग

इनविजिबल लाइन होती है जो कि आपके और दूसरों के बीच में होती है जिस जो कि आपकी मेंटल आपकी स्पिरिचुअल फ़िज़िकल आपके सारे एस्पेक्ट्स से आपकी हेल्थ को एक इट्स इट्स लाइक लाइक सर्कल इट्स लाइक अ फेंस जैसे होती है कि आपकी आ, आपको सेफ़ रखने के लिए Uh, हर उस चीज़ से जो आपको अनकंफर्टेबल फ़ील कराती है और हर उस चीज़ से जो कि uh, आपकी मेंटल स्पिरिचुअल फिजिकल या किसी भी एस्पेक्ट uh, से किसी भी चीज़ को मुतासर कर सके इन अ नेगेटिव वे सो बाउंड्रीज आर द इनविजिबल लाइंस दैट डिफाइन द लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स एक्शन इंटरेक्शंस इन रिलेशनशिप्स वेदर दे आर पर्सनल प्रोफेशनल और सोशल सो यू सी कि किसी भी सेटिंग में हमारे जो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन होती है या इंटरेक्शन होता है वो हमारे बीच में एक इनडायरेक्ट एक इनविजिबल लाइन होती है जिसको हम बाउंड्रीज़ बोलते हैं एंड विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एवरीवेयर सो जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि फेंसेज़ जैसे होती हैं कि एक फेंस है आपके और सोसाइटी के बीच में जो कि आपको सेफ़ रखती है बाउंड्रीज़ की टाइप्स होती हैं जैसे कि मैंने कहा कि ये मेंटल होती हैं मेंटल यानी कि आपकी इमोशनल कैपेसिटी कितनी है किसी को फ़ॉर um, एग्जांपल मैं इसकी इस तरह से एग्जांपल दूंगी कि, कि uh, आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कोई बात शेयर करनी है लेट्स से उसका ब्रेकअप हुआ है या घर पे कोई फाइट हुई है या समथिंग लाइक दैट तो उसने आपके साथ शेयर करनी है दे आर डेस्परेट टू शेयर अब आपकी मेंटल कैपेसिटी उस टाइम पे है आपकी मेंटल या इमोशनल आप इतने ओवरवेलम्ड तो नहीं है कि आप वो चीज़ बैगेज उसका नहीं ले सकते या सुन नहीं सकते या आप सुन सकते हैं अब यहाँ पे आपकी बाउंड्री आएगी कि अगर तो आप उस पोजीशन पे हैं कि आप उसकी बात सुन सकते हैं देन यू कैन लेट दैट पर्सन स्पीक टू यू एंड वी कैन से कथारसिस कर सकता है लेकिन अगर आप आप मेंटली ओवरवेलम्ड हैं अपने इशूज़ के लेके अपनी जॉब जॉब इन्वायरमेंट या स्टडीज़ या एनी तो इसके इस इसके लिए आपके लिए आपके लिए मुश्किल होगा ना वो चीज़ लेना तो यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है आगे चल के हम इस चीज़ पे वर्क करेंगे कि किस तरह से बाउंड्रीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं इसी तरह मेंटल बाउंड इमोशनल बाउंड्रीज़ भी इसी तरह से हैं सेक्शुअल बाउंड्रीज़ के आप रिलेशनशिप्स में कितना अपने पार्टनर को

ये इस डोमेन में आती है इस तरह की विद विद एन इंटीमेट या रोमांटिक रिलेशनशिप इसी तरह से टाइम टाइम की बाउंड्रीज़ इस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं कि, कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस आवर्स होते हैं तो ऑफिस आवर्स में आप काम करते हैं कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे होते हैं कि जो चौबीस घंटे भी अवेलेबल होते हैं कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं कि जो आम, Uh, देर तक बैठते हैं एक्स्ट्रा आर्स लगाते हैं लेकिन उसका उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता बट दे जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ एप्रिसिएशन और फॉर द सेक ऑफ वॉट आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज ऑफ स्लो सेल्फ स्टीम इफ इट्स बिकॉज थिंक दैट इफ यू विल वर्क ओवर वर्क यू विल गेट मोर यू नो यू विल बी फेवरेट टू योर बॉस और समथिंग ऐसा होता नहीं है बट इट्स जस्ट द लैक ऑफ बाउंड्रीज सो अगर आप आ, उससे क्या होता है कि आपकी मेंटल आपकी स्पिरिचुअल आपके आपका टाइम स्केजूल सब कुछ खराब होता है बिकॉज देन यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद योर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स योर फ्रेंड्स आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता अपनी सेल्फ केयर के लिए टाइम नहीं मिलता सो दैट मीन्स इट्स हार्मिंग योर ओवरऑल लाइफ सो देन वी हैव कॉन्वर्सेशनल बाउंड्रीज आई डोंट लाइक थिंकिंग अबाउट दैट टॉपिक इन पब्लिक यूसी हमारी फैमिलीज़ में आम, शादियों पे या कहीं पे भी ऐसा होता है कि आंटी कोई भी क्वेश्चन करता है कि ओके अच्छा शादी कब होगी शादी होगी है अब चिल्ड्रन व्हेन डू यू प्लान चिल्ड्रन दीज आर द क्वेश्चन विच आर हाईली हाईली सेंसिटिव एंड हाईली कॉन्फिडेंशल लेकिन ये इस तरह से आम तौर पूछे जाते हैं तो ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जा हो जाती हैं इनको आंसर करना बिकॉज़ यू कॉन्ट टेल एवरी वन योर प्लान्स एंड समटाइम्स आपको खुद भी पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में सो यू कॉन्ट आंसर दीज थिंग्स तो ये चीज़ क्या होती है ये आपके अंदर एक अनकम्फर्टेबल एक डिसकम्फर्ट क्रिएट करती है इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पर कॉन्वर्सेशनल बाउंड्रीज़ के आपका दोस्त आपके फैमिली मेम्बर या किसी से भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको आ, आपने बाउंड्री सेट करनी है कि ओके okay, मुझसे ये क्वेश्चन आई विल अलाउ दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड आई वोंट अलाउ दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स लाइक फॉर एग्जाम्पल सम पीपल डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट रिलीजन और पोलिटिकल सिचुएशन और स्टफ़ एंड दैट्स ओके बट अगर उनसे बार बार वही क्वेश्चन किए जाएँ तो ये तो आपकी एक बाउंड्री है ना अगर आपसे वही क्वेश्चन बार बार किया जाए यू विल फील डिसकम्फर्ट एंड इट कैन रून योर होल डे then we have internal, uh, internal boundaries i have been uh, busy all week i just need the weekend to uh, myself to recharge yes so um, इफ़ यू डोंट हैव टाइम मैनेजमेंट एंड अगर आपने ओवर वर्क किया हुआ है या समथिंग लाइक दैट आपको वीकेंड अपने लिए चाहिए होगा या अपने सिग्निफिकेंट अदर्स के लिए चाहिए होगा मे बी लेकिन इस टाइम इस पर अगर आपके दोस्त आपको कह रहे हैं कि लेट्स गो फॉर अ मूवी सैटरडे नाइट फुल नाइट इस तरह से स्पेंड करते हैं लेट्स डू देट बट ऑन द अदर हैंड यू वॉन्ट समथिंग एल्स वहाँ पर एक आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है लेकिन अगर आप में एक सेंग नो uh, no, uh, कहने की प्रैक्टिस um, नहीं है देन आप वो करते रहोगे और आपकी एनर्जी और ज़्यादा ड्रेन होती रहेगी एंड वीकेंड पे आप वीकेंड को उस तरह से स्पेंड नहीं कर पाओगे अपनी एनर्जी को आप रिचार्ज नहीं कर सकते तो यहाँ पे इस तरह से इंटरनल बाउंड्रीज़ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है इसी तरह से इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल इसी तरह से आपके बाकी लाइक इवनिंग टाइम ऑफिस के बाद का टाइम आप किस तरह से स्पेंड करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में जो आपका एक एमपटी पीरियड है उसको आप किस तरह से स्पेंड करना चाहते हैं इट्स अप टू यू लेकिन उसमें अगर आपको बाउंड्रीज बनाने की प्रैक्टिस नहीं है एंड इफ़ यू डोंट नो वॉट मेक्स यू फील कम्फर्टेबल एंड वर्क मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल यू विल कीप डूइंग दैट आप एक इन द फ्लो चलते जाते हो और होता यह है कि आपकी एनर्जी ऑल द टाइम ड्रेन रहती है आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता आपके जो सिग्निफिकेंट रिलेशन होते हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं और ज, जिन चीज़ों में आपको टाइम स्पेंड करना होता है वो आप नहीं कर पा रहे होते तो वो एक चीज़ आपके अंदर एक कॉन्स्टेंट डिसकम्फर्ट क्रिएट करती है एंड देन वी डोंट नो कि ओके okay, um, ये डिस्कम्फर्ट कहाँ से आ रही है अब सी फाइनेंशियल बाउंड्रीज आई एम नॉट कम्फर्टेबल लैंडिंग यू मनी एंड अगैन सो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा um, अपने अराउंड आपने नोटिस की होगी कि आपके कुछ फ्रेंड्स या कोई भी आपसे एक दफ़ा फाइनेंशियल फाइनेशियल एडे होते हैं एंड देन ये दे डोंट गिव इट बैक ऑन ऑन टाइम एंड देन दे आस्क अगेन एंड अगेन और इस तरह की जितनी भी फाइनेंशियल से रिलेटेड बाउंड्रीज um, होती हैं दोज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड इसी तरह से घर में भी बाउंड्रीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल बाउंड्रीज इवन इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड इवन इन रोमांटिक रिलेशनशिप मैरिज में भी फाइनेशियल बाउंड्रीज बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है अब तो मैरिज से पहले यू हैव टू यू नो डिसकस एवरी थिंग फाइनेंशियल बिल्स रेंट्स एंड एवरी थिंग अदरवाइज दीज थिंग्स एक बाउंड्री आपके पार्टनर के माइंड में नहीं है तो देट देट्स गोन बी अ डिज़ास्टर बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफ़ी मिसडअप हो जाती हैं फिजिकल बाउंड्रीज लिमिट्स On physical contact, I don't like to be tickled. Again, uh, physical boundaries are like—you um, can say um, it's not about in just a romantic relationship. It's about in friends. Some people don't like to be touched; they have anxiety issues or something like that. They do not they, they just never don't want to be touched. Um, people who have anxiety issues or who who have some you know uh, challenges going on internal challenges, so um, it's really important. It's not like a um, I have saw that video where this actress she was like hugging every other actress on the stage, and uh, some of them were uh, uh, feeling um, you know uncomfortable. So uh, it's really important to just maintain a. Maintain a healthy boundary on a physical level also. How a person's life look like without boundaries? You guys would know. आपने अपने अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में अपने अराउंड ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप हमारी लाइफ किस तरह से कैस में चेंज हो जाती है जब हम बाउंड्रीज प्रैक्टिस नहीं करते अपनी लाइफ में सो कांस्टेंट ओवरवेलमिंग सिचुएशन रहती है Because they might feel overwhelmed by the demands and expectations of others. Because, but lack of boundaries' का issue ye hai ke, aapko log for granted lena shuru jate hai. Wo all the time expect that you have to be available all the time. And then when you are not, they will get pissed off, and you will they will feel you uh, like uh, feeling guilty and um, you know angry. बिकॉज दैन यू कॉन्ट डू एनी थिंग इफ़ यू आर नॉट एबल टू मीट देयर सर्टन रिक्वायरमेंट्स आप हमेशा पूरे करते रहे हो और अब आप नहीं कर पा रहे हो एक एक टाइम पर तो आप भी एंग्री फील करते हो कि वाई आई आई एम नॉट एबल टू डू दैट वाई आई फील सो लेस एनर्जी टू डू दैट लेकिन यह है कि ऑन द अदर हैंड वो भी नाराज़ हो जाते हैं

रिजेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन दे मे फील रिजेंटफुल टूवर्ड्स अदर्स फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ देर काइंडनेस और जेनरोसिटी बट दे दैन एक्सप्रेस दिज फीलिंग्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट यू सी आपके अंदर एक गिल्ट और एक एंगर क्रिएट होता है आपके अंदर भी और दैट पर्सन के अंदर भी वो तो शायद बता दें कि यू आर देयर फॉर मी बट नाउ यू आर नॉट देयर फॉर मी आई मीन दिस इज़ रियली अनफेयर दिस दैट बट आपके अंदर वो एक चीज बिल्टअअप होती रहती है वो रिजेंटमेंट टाइम के साथ साथ बिल्टअअप होती रहती है फॉर एग्जाम्पल Um, अगर आपसे आपका दोस्त हमेशा गाड़ी uh, बोरो करता है तो वो गाड़ी को बहुत बुरे तरीके से यूज़ करता है वो इधर उधर भी चला जाता है नेक्स्ट डे आपकी कोई um, आपकी कोई मीटिंग uh, है या समथिंग लाइक दैट यू नीड दैट कार एंड योर फ्रेंड इज़ आउट इन लाहौर और सम अदर सिटी टेक टुक योर कार वट वुड यू फील यू वुड फील रिजेंटफुल यू वुड फील एंग्री लेकिन आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे होगे बिकॉज This is, uh, this is the relationship dynamic between you two friends. built hota gaya hota gaya ab se chaos create Does that happen to you guys? Yes, yes, absolutely. Okay. Lack of personal time. <clears throat> their schedule is often filled with commitments to others, leaving little time for self care, relaxation, or pursuing their own interests. I have seen so much. दिस इन ब्राउन फैमिलीज़ एंड इन एवरीवेयर दैट यहाँ पे ना लोग बहुत ज़्यादा वट कैन आई से हसल हसल वाले होते हैं पूरी फैमिली हसल वाली है आगे से बच्चों में वो चीज़ है जब आप जब हम अडल्ट होते हैं तो फिर एज एन अडल्ट भी हमारे अंदर हसल वाली ऑल द टाइम हसल घर में भी हसल चल रही होगी बाहर जाएंगे बाहर में बच्चों में भी, भी वो हसल है और उनके पेट्स में भी वो हसल है इट्स लाइक अ कंप्लीट के पिक्चर यू कैन इमेजन एट दिस टाइम एंड यू हैव यू मस्ट हैव सीन इट अराउंड यू आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो पीसफुल लाइफ रखते हैं सो दोज पीपल प्रैक्टिस बाउंड्रीज दोज पीपल प्रैक्टिस मेडिटेशन दोज पीपल प्रैक्टिस सेल्फ केयर बट Uh, there is a lack of self care and that's why it leads you towards um, um, frustration and anger and suppressed negative emotions but if you don't get time for self care of course you will you will be feeling this way if agar boundaries if you uh, let's say kisi bhi ki bhi pehle, check hain, ki, okay, my, what my body is feeling what i am what, what do i want at this time Okay, I want some alone time. Yes, I have to say them no nicely. You know, unfulfilling relationships. They may find themselves in one sided or unhealthy relationships where they give more than they deserve, leading to feelings of loneliness or dissatisfaction. सो so, मैंने अपने क्लाइंट्स में क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मोस्टली मिलेल्स एंड जेंसीज ही होते हैं तो मैंने उनमें काफ़ी ये चीज़ सुनी है कि मेरे दोस्त तो मुझे फ़ॉर ग्रांटेड लेते हैं मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इतना फॉर ग्रांटेड लिया छः साल मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया बट स्टिल उसने मुझे चीट uh, किया एंड नाउ आई एम जस्ट ऑल ब्रोक एंड अब मैं लाइफ में किसी के लिए एफ़र्ट पुट नहीं करूँगा बिकॉज मैंने छः साल मैंने सात साल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतनी एफर्ट्स पुट की एंड शी जस्ट टुक मी फॉर ग्रांटेड एंड शी जस्ट डंप्ट मी सो यू सी ये चीज़ें मैं ये हर क्लाइंट से स्टोरी सुनती हूँ सो दिस इज द थिंग दैट वैन यू डोंट हैव बाउंड्रीज यू डोंट नो वट मेक्स यू कम्फर्टेबल एंड वट डोंट मेक्स यू वट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल आप जब एक फ्लो में चले चलते जाते हैं ब्लाइंड होके तो दिस हैपन्स वेन योर फ्रेंड्स टेक्स यू फॉर ग्रांटेड एंड वैन योर गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड योर स्पाउस इवन योर फैमिली टेक्स यू फॉर ग्रांटेड एंड एट एट सम पॉइंट यू आर जस्ट ब्रोक सो difficulty setting goals without clear boundaries they may struggle to prioritize their own needs and goals leading to a lack of uh, direction of fulfillment in life so you see because ki life hustle-wali hai, you don't have boundaries in your life everyone is taking you for granted or because it's a two-way thing you also do I mean it's a, it's a pattern it's a relationship dynamic so it's happening around you with you and that's why the, you don't have time to reflect that what वट गोल्स आर इम्पॉर्टेंट तुम आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपके गोल्स क्या होने चाहिए आपने कितना टाइम के इस गोल को देने बिकॉज यू सी लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल अगर कोई लेट से um, अगर आपको कोई पर्टिकुलर पैशन लेट है जॉब एंड यू वॉन्ट टू परसूव फोटोग्राफी बिकॉज यू जस्ट लव दैट एंड कैन बी योर साइड गेट बट आपकी लाइफ अगर क्या में है आपके आपको बाउंड्रीज की प्रैक्टिस नहीं है अपनी लाइफ में तो होता यह है कि आप इतने ज़्यादा uh, इन्वेस्ट कर देते हो अपने बाकी अननेसेसरी चीज़ों में तो uh, होता यह है कि आपकी वो चीज़ रह जाती है एंड एंड वेन यू थिंक दैट मेरा ये गोल कम्प्लीट नहीं हो रहा मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ हमेशा से लेकिन ये हो नहीं रहा सो दिस इज़ द थिंग टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आर लाइफ and we have, to, we have to make boundaries to make people respect that thing, that okay, my time is important. i can't give extra hours to job which is not giving me incentive. i can't, I can't be available on official calls 24 hours uh, because my mental health is important for me because i have a sleep routine, because i have friends, i have family, i have um, romantic relationship, you know. That, that's how you create a balance in your life. But if there is no boundary, you just go and you just spend so much time and energy in something which is not a priority and then you just feel drained and all the time it's like my life goals achieve me ni I don't know what's happening with me. How to make boundaries? So you have to reflect on what makes you feel comfortable in any situation with anyone. You see, we about boundaries, boundaries kit so important boundaries. ना हो तो इंसान की लाइफ किस तरह से नजर आती है लेकिन मुझे क्वेश्चन फिर आता है कि हम बाउंड्रीज़ कैसे बनाएं तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो आप अपने साथ बैठते हैं और आप देखते हैं कि आपको क्या चीज़ कम्फर्टेबल फ़ील कराती है और क्या चीज़ आपको कम्फर्टेबल फ़ील नहीं करा रही वट मेक्स यू फील कम्फर्टेबल यू गो फॉर देट वट मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल देर यू नीड टू वर्क ऑन एंड देर यू नीड टू मेक बाउंड्रीज़ विद कैसे बनानी है बाउंड्रीज और किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है दैट्स नेक्स्ट स्टेप लेकिन पहला स्टेप यह कि आपको खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि वट डू आई वांट ओके एट दिस टाइम आई डू आई वॉन्ट टू गो आउट विद फ्रेंड्स और डू आई वॉन्ट टू रिलैक्स डू आई वॉन्ट टू वॉच मूवी और वट डू आई वॉन्ट एट दिस टाइम ये थोड़ी सी आपको आ, प्रैक्टिस से थोड़ी सी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है आ, हमें अपनी बॉडी पे अपने फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा चेक रखना पड़ता है कि व्हाट माय बॉडी नीड्स एट दिस टाइम तो फिर लेकिन जब आपके आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं देन एवरी इज़ सेटल्ड सो यहाँ पर बहुत सारी वर्कशीट्स अवेलेबल है मैं अपने क्लाइंट्स को इस तरह की वर्कशीट्स देती हूँ फॉर अ वीक वीक का टास्क देती हूँ कि आपने वीक में डेली इस तरह की वर्कशीट जो है वो फुलफ़िल करनी है बट ये रिफ्लेक्टिव वर्कशीट होती है इसमें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि ओके okay, What are my boundaries? How can I implement that? Like, uh, who do I want to set bo uh, and establish boundaries with? This is a really important question. Uh, what are the unhealthy boundaries in this relationship? You have identified relationship you relationship boundaries then you have to see what um, um, unhealthy boundaries in this relationship, basically. Then you have to reflect how has not setting boundaries with this individual affected my life? यूसी जो मैंने बात की कि हमारी लाइफ क्या में चेंज हो जाती है और वो इतना अप क्रिएट हो जाता है हमारी लाइफ में कि हमें खुद आइडिया नहीं होता कि व्हाट्स हैपनिंग विद मी कि ये सारा मैस कहाँ से आ रहा है ये सारा क्या कहाँ से आ रहा है क्योंकि हर चीज़ इतनी मिंगल हो जाती है सो दिस इज़ रेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस पर्सन के साथ मैंने बाउंड्रीज नहीं बनाई तो मेरी लाइफ किस तरह से इफेक्ट हो रही है What is preventing me from creating healthy boundaries with this person now this question will lead you so much insight about yourself because maybe up boundaries issue ho people pleasing who why because maybe self esteem uh, ki, low self esteem kijaara se okay एक लो सेल्फ़ इस्टीम कहाँ से आ रही है फियर से आ रही है इनसिक्योरिटी से आ रही है कि अगर मैंने इस पर्सन की हर बात ना मानी एंड आई हैव टू बी देयर फॉर दिस पर्सन अगर मैंने ऐसे ना किया तो दैट पर्सन विल लीव मी एंड वट विल हैपन इफ़ दैट पर्सन विल लीव यू आई विल बी लोन वाई बिकॉज फियर ऑफ अबेंडनमेंट तो ये सारी चीज़ फिर वहाँ जाके स्टार्ट होती है कि फियर ऑफ अबेंडनमेंट फीयर ऑफ अबेंडनमेंट कहाँ से आ रहा है चाइल्ड हुड से आ रहा है चाइल्ड हुड में क्या हुआ था यू नो सो दिस क्वेश्चन लीड यू टूवर्ड्स द रूट कॉज ऑफ योर बाउंड्रीज इश्यूज हाउ डू आई प्लान टू सेट बाउंड्रीज विद दिस पर्सन एंड देन वट विल आई डू इफ माई बाउंड्रीज आर क्रॉस्ड ओके So uh, now let's do an enactment. Uh, I will need two volunteers from you so that we can practice, we can do a little session and we can practice how to make boundaries. And what do unhealthy boundaries look like? Who would like to share? Who would like to come here and uh, do a little therapy session with me? Sure. Have a seat, please. So. आप लोगों के माइंड में कोई ऐसी करंट सिचुएशन है जहां पे आपको बाउंड्रीज का इशू हुआ हो जहां पे वो सारी चीज़ें स्पिट आई हो जो मैंने अभी जिस बारे में बात की है जी बिल्कुल डू यू हैव दैट सिचुएशन ओके सो ही विल बिकम द अदर पर्सन जिसके साथ आपका इशू हुआ था ओके लेट स्टार्ट सो from where we are uh, going to start the session or could you give the scenario again yes I, I the proper situation

तो उसको ना सुनना बहुत पसंद नहीं है वो ना सुनता है तो वो बिल्कुल गमगीन हो जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आ, उस सिचुएशन में ना लाऊं तो कभी तो मैं कोई अच्छा बहाना बना लेता हूँ जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो जाता है आ, या तो मैं कभी कभी मेरा मूड भी ऑफ होता है तो मैं भी कभी कभी नो no, बोल देता हूँ तो उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ क्योंकि ही इज़ वेरी नाइस गाय और अच्छी दोस्ती है उसके साथ लेकिन फिर भी मुझे ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है लेकिन अंदर अंदर से मैं ये नहीं चाहता हाँ। कि मैं इसके साथ बाहर जाऊँ या उस टाइम मतलब एक सिचुएशन ऐसी होती है आपका दिल नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी कहीं कहीं मैं कंप्रोमाइज़ करता हूँ उसके साथ चला जाता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं उसके साथ बाउंड्रीज कैसे मतलब बनाऊँ कि ही विल बी कम्फर्टेबल विथ माई नो आधर मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कोई उसके पीछे रीज़न है नहीं है

You start a so conversation that you uh, have with that p friends of your friend of yours. The same conversation. Imagine okay. that. Okay, I okay, am okay, that okay. I, and you I, I, I are understand. That I understand. So, uh, okay, uh, you ask have me to, first. You have to be that uh, person. Uh, have you understood? You have to just cross his boundaries and hmm. insist him for something. Yeah. Go on. You give me. The ask situation. ask me for 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 a chai or something. <laughs> <laughs> a um, uh, boy's a uh, uh, very common thing <laughs> you told, told me you're busy today uh, uh, you have a very busy schedule yeah. uh, you've been studying and you also have to go for uh, at, at workplace i know you're tired but still i really really want to meet you tonight <laughs> okay. at mcdonald's uh, McDonald's? mcdonald yes so this is this is something <laughs> <laughs> i can't say no <laughs> i can't say no. no okay. and you have to yeah, pay yeah, the bills yeah. Because oh, I don't have any that's good. anything in my pocket. <laughs> oh, uh, let's uh, see, Peterson. Uh, I have a uh, uh, very uh, busy schedule uh, from last week and I'm so tired yeah. now. So, so. the situation was not realistic for long. Just like the, the those friends ah, who are <laughs> वो हाँ जैसे हाँ चलो चाय पी लो मुझे इस तरह से करके आप ना आपके दोस्त हैं यू नो द सिचुएशन तो वे exactly. थोड़ा कैजुअल रखते हैं मतलब बिल्कुल ठीक है तो आप जैसे इंटरेक्ट करते हैं मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं इसको चेंज कर ले कम करते हैं हां मुझे असल में आईडिया नहीं है ना कि आप कैसे इंटरेक्ट है तो यू स्टार्ट साहब लेटस बी व्हाट्स योर नेम बिलावल बिलावल ही इज बिलावल एंड यू आर दैट फ्रेंड लेट्स लेट्स स्विच आई एम बिलावल ओके ओके यार बिलावल कैसे हो ठीक हो तो यार थोड़ा बाहर घूम लेते हैं थोड़ा मौसम भी अच्छा है इस्लामाबाद कोई चक्कर लगा लेते हैं क्या सीन है तुम्हारा फिर uh, yes. yeah. who... okay. so yeah. uh, आप, आप नहीं जाना चाहते बट आपके लैक ऑफ बाउंड्रीज हैं यार सच बताऊं तो रात को सही से सोया भी नहीं सारी रातें फिल्में देखता रहा हूँ और सुबह से ले कर अभी तक ये ब्लैक होल में बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ बहुत थका हूँ यकीन मानो बहुत थका हूँ बहुत मुश्किल है जानी मेरी अब्दुल्ला से बात हुई वो तो कह रहा था कि आधा घंटा पहले हम साथ थे तो दिस इज समथिंग ठीक है मतलब अगर तू कह रहा है तो मान लेता हूँ लेकिन वो अब्दुल्ला से बात हुई थी यार मतलब तो वैसे ही नो बोल सकता है इट्स नॉट इन बिग इशू ठीक है असल तो, में असल में उसके साथ थोड़ा सा कुछ एक जरूरी काम था तो अच्छा हाँ देट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट इसी वजह से यार फिर से तू झूठ बोल रहा है मतलब ठीक है कोई मसला नहीं है <laughs> अब्दुल्ला के साथ मेरी अच्छी खासी बात हुई है वो कह रहा था कि हम कहाँ गए थे और क्या क्या हमने खाया भी ये भी उसने बताया तो फिर ठीक है मैं इट्स ओके यार फाइन कोई तो मसला नहीं है मतलब वी कैन गो डे So नहीं ऐसे तो देखो ऐसे तो नहीं होता सो so, ठीक है अब्दुल्ला के साथ तू जा सकता है लेकिन अब मैं अभी इतना ठीक <laughs> <laughs> है अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो ब्लैक होल बीच में आ रहा है जो जबकि नहीं आना चाहिए था वो यार गुड फ्रेंड्स है यार मतलब मैं बोर हो रहा था यार एक्चुअली सो समर्ड है नहीं, मुझे ज़रूरत आ जाए और बाहर जाने की तो कह रहे हैं साम डे नाश्ते की जगह तो मुझे लंच खिला रहा है तो दिस इज़ समथिंग ठीक है इट्स नॉट एन बिग मजबूरियाँ क्या करूँ तो ये तेरी हमेशा मजबूरियाँ बीच में आ जाती हैं दिस इज़ वेरी कॉमन ऑफ यू ठीक है लेट्स एंड दिस हेयर कोई कोई बात नहीं है इतना इजी आराम कर और ब्लैक होल वगैरह जो भी तेरी वो फिक्सनल uh, जो चीज़ें हैं मुझे तू बता रहा है

तो, तो जारी शुरू से नहीं है ये तो बात कर ही ना एक दूसरे को <laughs> बहाने कराते रहते हैं तो वो नहीं है लेकिन आज चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा बात तो कर लेंगे ना आज 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 क्या दिन है थर्सडे या थर्सडे एम अवेलेबल तीनों दिन तू हमेशा इस तरह करता है नहीं हमेशा promise. हमेशा ठीक है इट्स ओके फाइन ईजी बाकी देख लेंगे कल परसों तरसों लेकिन चलो मुझे बड़ी खुशी हुई तुम्हें आखिर थोड़ा सा यू नहीं मैं खुद you, you खुद जबरदस्ती कर रहा हूँ तो तु, तु, तुम्हारे जो लॉजिक थे वो मेरे जहन में नहीं आ रहे क्योंकि अब्दुल्ला को मैं साइड नहीं करा सकता वो भी मेरा अच्छा दोस्त है वो झूठ नहीं बोलता इतना जितना तू बोलता है <laughs> तो ठीक <laughs> है मतलब मैं कुछ अप, अपने आप को पीछे कर रहा हूँ ठीक है मैंने कहा मैं थोड़ा अच्छा, इस पॉइंट पे आप मान जाते हैं नहीं मैं मैंने आपको बताया ना कि मैं मैं ही कम्प्रोमाइज़ करता हूँ ओके okay. कोशिश कर तो मान गए फिर okay. मैनिपुलेट हो गए ना वो मैनिपुलेट खुद ही खुद ही मतलब मान लो कि हाँ ठीक है मतलब इस बंदे को क्या <laughs> इंसिस करूं हां जब नहीं मान मान रहा तो क्या hmm. करूं अब ठीक है दिस इज इट सो यही हमारा थोड़ा चलता है ऑलराइट गाइस आधे घंटे की वजह से आप अच्छे दोस्त को दिस इज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नो 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 दिस इज दिस इज़ वेरी गुड दिस इज़ वेरी गुड आई एम आई एम ऑल्सो फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड आई एम डूइंग बी एस साइकोलॉजी इन नमल या सो मुझे पता है इन चीज़ों का लेकिन मैं बहुत टाइम से ये चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं लेकिन मैं उसको प्रोसेस नहीं कर पाता कि मैं कुछ बाउंड्रीज बनाऊँ कि दोस्त को बताऊँ कैसे कि यार मतलब वो मानता ही नहीं है आगे आगे बंदा मानता ही नहीं है वो नाराज लाइक एंड दिस अग्रेसिव आई थिंक यू शुड जस्ट से गुड बाई टू हिम नो 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 दिस इज इज क्रॉसिंग योर बाउंड्रीजेज स्टेपिंग अपॉन यू आई थिंक दैट वुड बीज कंसिडरिंग योर हेल्थ मेंटल हेल्थ नहीं आई आई रियली अंडरस्टेंड हिम उसकी जो सोशलाइजेशन हुई है ना पहले उसके फ्रेंड सर्कल यूनिवर्सिटी से पहले आई सपोज मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा डोमिनेट रहा है पहले अपनी सर्कल में सो so, उसका फिर वो एक्सपेक्टेशन ऐसी हो होती है हमारे से भी मैं अंदर से वैसा नहीं हूँ मैं हालांकि उसका दोस्त हूँ लेकिन वो उसका उसको हो सकता है यूनिवर्सिटी में फिर अलग एक दोस्त मिल गया है, जो पहले उसके दोस्त थे वो उससे मैच नहीं कर पा रहा तो मैं हूँ दोस्त उसका ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ़ माइंड लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इस बंदे को मैं समझाऊं कैसे mm -hmm. कि और अच्छा मज़े की बात मैं कुछ टाइम ज़्यादा तो नहीं ले रहा यू कैन कम्पलीट मैं कंप्लीट करता हूँ सो थैंक यू सो मच तो मुझे मुझे अंदर से तब खुशी कब होती है मेरे साथ अलग ही होता है मतलब उल्टा होता है जब कोई बंदा जब किसी बंदे को मैं कहता हूँ कि यार बाहर जाते हैं और चाय पीते हैं और वो कहता है नहीं यार आज तो थका हूँ और उस टाइम मुझे खुशी होती है यार हाँ ठीक है मैं, मैं मैं मैं, मान जाता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट वेरी स्ट्रेट ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है अब्दुल्ला और पता है <laughs> तो मैं लिटरली ना ही अंदर मैं कुछ सोचता हूँ कि यार वो झूठ बोल रहा है वगैरह 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 मैं स्ट्रेट मान जाता हूँ मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है कल मिलते हैं तो उस वो चीज़ मुझे खुशी देती है मैंने कहा यार मैं उसको दे रहा हूँ वो एक बाउंड्री दे You'll रहा हूँ मैं उसको या yeah, वो रिस्पेक्ट कर रहा हूँ पता नहीं वो मुझे आई डोंट नो वो खुशी मुझे क्यों होती है आई डोंट नो लेकिन uh, जो टॉपिक है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी रिलेवेंट बाकी मैम आप uh, प्रोसीड करें थैंक यू सो मच बिलावल फॉर शेयरिंग इफ आई कैन मेक अ कॉमेंट श्योर मतलब आई डोंट हैव अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड लेकिन uh, इस डाइनामिक से मुझे लग रहा है कि ही हैज़ अ मोर ऑफ अ टेंडेंसी बिलावल हैज अ मोर ऑफ अ टेंडेंसी टू प्लीज अदर पीपल एंड ही हैज दैट फियर ऑफ ब्रेकिंग द रिलेशनशिप इवन दो अगर इसकी जगह मैं हूँ तो मैं वो चांस ले लूँ कि यू नो स्टेप बाय स्टेप कि यार अगर थोड़ी देर के लिए नाराज़ भी हो जाएगा तो क्या है कल इसको मैं मना लूँगा या ही विल रियलाइज के यार बिलावल की भी कोई बाउंड्रीज हैं कोई बात नहीं ये भी अच्छा इंसान है

After this assertiveness skills, so that I will show you how I uh, make my clients, uh, how I make my clients realize that okay they have boundaries issues and how they can imp uh, apply assertiveness in certain situations. So assertiveness skills, saying no, assertiveness skills is an ability to um, honestly express your opinion, things, uh, feelings, attitudes and rights without undue anxiety in a way that doesn't infringe on the rights of others. असर्टिवनेस स्किल्स बेसिकली असर्टिवनेस एक स्क्रिप्ट होता है uh, कुछ सेंटेंसेज होते हैं जो हम बोलते हैं जब हम बाउंड्रीज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं जब हम बाउंड्रीज बनाते हैं किसी से ताकि कोई uh, किसी का दिल भी ना टूटे रूट भी फील ना हो और हमारी बाउंड्री भी बन जाए सो so, uh, इसलिए क्योंकि uh, अगर लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल बिलावल के केस में अगर बिलावल इसी तरह से विदाउट नोइंग दैट देर इज़ अ स्क्रिप्ट जो हम बाउंड्रीज़ बनाते हुए फॉलो करनी चाहिए हमें अगर वो रूड हो जाएंगे तो फिर उनको एक एन्जाइटी होगी कि मैंने तो अपने दोस्त को नाराज़ कर दिया उसका दिल तोड़ दिया वलरेडी इतना परेशान था ही नीडिड माई टाइम लाइक वो गिल टेक इंड्यूज़ होना शुरू हो जाएगा पर्सन के अंदर सो दैट्स वाई असर्टिवनेस स्क्रिप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड जब वही हम बाउंड्रीज स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो हम उससे स्टार्ट करते हैं जब हमारी बाउंड्रीज एक दफ़ा बन जाती हैं ना वो हमारा एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है तो हमारे अराउंड सब लोगों को पता होता है कि इस टाइम पे इसको हम अप्रोच कर सकते हैं इस टाइम पे नहीं किस टाइम पे उससे कौन सी डिमांड की जा सकती है या की भी जा सकती है या नहीं मतलब हमारे अराउंड हमारे सर्कल में हमारी फ़ैमिली फ्रेंड्स सबको पता होता है कि वो आपसे क्या बात कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते लेकिन स्टार्ट आपको असर्टिवनेस स्क्रिप्ट से करना होता है असर्टिवनेस के तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हम स्टार्ट करते हैं जब भी हम बाउंड्री क्रिएट करते हैं तो हम आई थिंक आई फील आई वॉन्ट इस तरह के सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं लाइक आई थिंक फॉर क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू नीड टू टॉक अबाउट आई थिंक आप सेंटेंसेज इस तरह से यूज़ करते हैं इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपको ये होता है कि नेक्स्ट पर्सन को भी एक आइडिया हो जाए कि किस सिचुएशन से बात की जा रही है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कलोड आप पे ज़्यादा है आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेसिव काम कर रहे थे जॉब पे तो आप अपने कोलीग को या आपके जो मैनेजर हैं उनको कहते हो कि आई थिंक मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी ओवर वर्क रहा था जिस वजह से मेरी मेंटल हेल्थ या मेरा टाइम मैनेजमेंट वो नहीं हो रहा मेरे टास्क काफ़ी ज़्यादा हैं आई वुड आई वुड अप्रिशिएट कि अगर इनको हम बाकी टीम मेम्बर्स के साथ स्प्लिट um, कर दें समथिंग लाइक दैट तो आई थिंक करके आप यूज़ करते हो कि हम इस सिचुएशन के बारे में मैं, मेरा ये ख्याल है नेक्स्ट फिर आई फील अभी इसी सिचुएशन को आई फील आई फील ओवरबर्डन आई फील ओवर वेलम्ड मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स बिकॉज ऑफ सो मैनी टास्क विच आई एम अनएबल टू कम्प्लीट यू नो इसी तरह से आई वॉन्ट द आउटकम यू वॉन्ट तो आई वॉन्ट में आप बताते हो कि आप क्या चाहते हो उस आउटकम उस सिचुएशन का आउटकम आई वॉन्ट आई वॉन्ट योर हाफ एन आवर टू सिट सो दैट वी कैन टॉक एंड एक्सप्लोर एक्सप्लोर सम सोल्यूशन फॉर दिस सिचुएशन के हम बाकी टीम मेबर्स को किस तरह से काम स्प्लिट कर सकते हैं ये जो मेरे पास ओवरबर्डन है समथिंग लाइक दैट तो आप क्लियरली आई थिंक वट वट डू यू थिंक अबाउट सिद्धिस सिचुएशन उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड की अच्छा सिचुएशन ये है आई फील वट यू फील अबाउट दैट एंड आई वॉन्ट आप क्या आउटकम चाहते हो सेल्फ केयर सोल्यूशन सेल्फ केयर सोल्यूशन एक ऑल्टरनेटिव होता है कि अगर अगला बंदा आपकी बात नहीं मान रहा वो बाउंड्रीज़ वहाँ पे लाइक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर बाउंड्रीज नहीं करिएट हो पा रही या अगला बंदा आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा अकॉर्ड लाइक सो मैनी रीजन हो सकती हैं बट नहीं हो पा रहा तो आपके पास ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है वो सेल्फ़ केयर सोल्यूशन में आता है उसमें आप ये करते हैं कि आपके पास जो भी आप बाउंड्री स्टेट कर रहे हैं उसके एक सेल्फ केयर सोल्यूशन होना चाहिए लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपने एक बाउंड्री स्टेट की कि आप लेट से एक इसी सिचुएशन को अगर हम लें तो सेल्फ केयर सोल्यूशन क्या होगा कि आप आ, उन टास्क को या तो आ, आप ये करोगे कि उस उसके लिए एक इस तरह से स्केजल अपना बनाओगे कि जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो पहले कर लोगे और बाकी जो हैं जो पेंडिंग रह सकते हैं लाइक फॉर द वीक वो उनको आप थोड़ा सा डिले करते जाओगे लेकिन होता यह है एक्चुअली बाउंड्रीज में सेल्फ़ केयर का जो पॉइंट uh, है ना ये हमारी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा आता है कि अगर किसी ने आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं की तो आप क्या करोगे उस उसके अकॉर्डिंग uh, उसके अल्टरनेटिवली लेकिन वर्क uh, लाइफ में या कुछ चीज़ों में ये होता है कि आप बाउंड्री जब क्रिएट करते हो तो एक लेट से जब आप स्टार्ट करेंगे ना ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में तो अगला बंदा एक ही दफ़ा में नहीं समझेगा वो हैरान uh, हो जाएगा कि इसको क्या हो गया है दिस पर्सन हैव बीन देयर फॉर मी दिस पर्सन हैव बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर मी बट अब इसको क्या हो गया अचानक वो आपको बहुत सी ऐसी बातें आएंगी तुम बदल गए हो आप आप ऐसे हो गए आप वैसे हो गए हो अच्छा फ्लान है आप, आपको ये सिखाया होगा फ्लान है आपके कान भरे होंगे मतलब फैमिली से आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी लेकिन होता यह है कि यही स्क्रिप्ट आप बार बार रिपीट करते हो लाइक like, आप जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली में आप एक बात करते हो अपने दोस्त से लेट से आप कहते हो कि आई एम आई एम नॉट कंफर्टेबल गोइंग आउट एट दिस टाइम तो आप वही बात रिपीट करते हो आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एट दिस टाइम गोइंग आउट आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल लाइक आप तीन चार दफ़ा वही बात रिपीट कर आप ये नहीं कहते तुम तो सुनते ही नहीं हो तुम ऐसे हो तुम वैसे लाइक like, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते यू जस्ट रिपीट योर वर्ड्स आई फील अनकम्फर्टेबल

so don't sort of assertiveness script some mistakes people do which looks like but are not actually assertiveness actually hota ye hai ki jab clients ya uh, jab koi bhi starting mein assertiveness script apply karna shuru karta hai to wo apni statements ko i statements banakar अगले को manipulate या उस पर जैसे uh, for example एग्जांपल जब कपल्स में फाइट होती है तो वो एक दूसरे को प्रो, पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना सब कुछ तुम तुमने मुझे हर्ट किया है तुमने मुझे ऐसा फील कराया है um, सम थिंग लाइक दैट वो फ्लां पार्टी में तुमने ऐसे किया था फ्लाँ इवेंट में तुमने मेरे साथ ऐसे किया था मेरी इंसल्ट करवाई थी लाइक like, पीछे की बातें आ जाती हैं वो आप प्रोजेक्ट करना शुरू हो जाते हैं वो एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है तो होता यह है कि फिर उसमें पर्सन ये कहता है कि आई फील देट यू आर सेल्फिश ना दिस इज़ सो मैन्यूपलेटिंग मैन्यूपलेटिव थिंग एंड यू फिट दैट थिंग यू फिट योर जजमेंट इन आई स्टेटमेंट सो ये मिस्टेक्स होती हैं जो स्टार्टिंग में लोग करते हैं और दैन दे कम इन नेक्स्ट सेशन से ओ दिस डे डेंट वर्क आई मीन दैट पर्सन इज़ नाओ मोर देन एंग्री विद मी आई एम लाइक यू सी यू आर फिटिंग दोज जजमेंट्स इन योर आई फील स्टेटमेंट्स सो दीज आर काइंड ऑफ लाइक मिसटेक्स वेग रिक्वेस्ट्स जैसे आप आई वॉन्ट में करते हो आई वॉन्ट में आप एक रिक्वेस्ट करते हो कि मैं ये चाहता हूँ कि इस सिचुएशन को इस तरह से कर लिया जाए सो so, लेकिन वेक टर्म्स इस तरह से होती हैं कि बी नाइस यू टेल योर फ्रेंड टू बी नाइज जस्ट और यू टेल योर पार्टनर जस्ट बी नाइस दिस इज़ अ वेक टर्म लाइक इट्स लाइक दैट परसन हैव नो आइडिया अबाउट वॉट लाइक वॉट डू यू रियली वॉन्ट फ्राम यर दिस टाइम सो बी स्पेसिफिक अबाउट द सिचुएशन एंड दैन ये एक एग्जाम्पल है कि आप किसी आपको रिसर्च वर्क में अपने फ्रेंड की या किसी की भी हेल्प चाहिए तो आप अगर आप ये कहोगे कि मुझे टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए दैट पर्सन दिस इज़ अ वेक थिंग टू से आप एग्जैक्टली exactly कहते हो कि आई नीड योर ट्वेंटी मिनट्स टू हेल्प मी इन दिस रिसर्च वर्क लाइक दिस आई स्टेटमेंट की हेल्दी एग्जाम्पल्स ये हैं कि आई फील लोनली लेटली आई फील सैड अबाउट अस आई फील काइंड ऑफ लॉस्ट इन विजिबल एंड मोर डिसकनेक्टेड आई फील होपफुल बट नर्वस लाइक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जब आप यूज़ uh, करते हो ना अपनी फीलिंग बताने के लिए दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन के अच्छा दिस इज़ गोइंग ऑन बट जैसे ही आप यूज स्टेटमेंट करते हो आई फील देट यू आर हर्टिंग मी और समथिंग लाइक दैट इट्स लाइक अगला बंदा डिफेंसिव हो जाता है जब कोई पर्सन डिफेंसिव होता है तो वो फिर अपने ट्रामा में चला जाता है जो उसका ट्रामा um, बॉन्ड एक्टिव हो जाता है रिलेशनशिप में एंड देन वॉट हैपन्स के दैट पर्सन इज़ जस्ट ऑपरेटिंग फ्राम दैट ट्रामा बॉन्ड नॉट दैट एडल्ट नॉट नॉट योर पार्टनर एनी मोर वो किसी और ही यूनिवर्स से फिर बात कर रहा होता है और फिर वो चीज़ इसीलिए इतनी ज़्यादा हीटअप हो जाती है बट अगर आप आई करके बात करते हो अपनी फीलिंग जस्ट बताते हो तो दैट पर्सन कैन लिसन यू इन एन अडल्ट वाई असर्टिवनेस लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने अपनी नीड्स को लोगों को बताना है हमने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है वहाँ पर दूसरों की भी बात सुनना एक्टिवली वो बहुत ज़रूरी होता है तो असर्टिवनेस लिसनिंग लाइक लिसनिंग अदर्स टू फुली अंडरस्टेंड वॉट अदर पर्सन थिंक फील एंड वांट अबाउट दिस सर्टन सिचुएशन लाइक जब आप किसी की बात सुन रहे होते हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि कुड यू प्लीज टेल मी मोर Um, when you are dealing with this problem what does it make you want to do what do you think we should try to change in this situation like when a person is stating their boundary to you then you, you, can, uh, you, you have to be actively listening to them and for that you need to ask this kind of probing questions feel stuff like that अब लिसनिंग के ब्लॉक्स क्या होते हैं माइंड रीडिंग कि जब हम एज्यूम करना शुरू हो जाते हैं विदाउट आस्किंग विदाउट आस्किंग दोज प्रॉबिंग क्वेश्चन के अच्छा ये पर्सन तो ये फील कर रहा है थिंक um, um, ये सोच रहा है या ये, ये फील कर रहा है इस तरह के बहुत ज़्यादा जो क्लोज़ रिलेशनशिप डायनामिक्स होते हैं वो होता है जैसे फ्रेंड्स में ऐसा होता है पेरेंट्स के साथ होता है इसी तरह रोमांटिक रिलेशनशिप में इस तरह से बहुत ज़्यादा इस तरह के डायनामिक्स चलते हैं कि जहाँ पे हम जस्ट एज़्यूम कर लेते हैं कि ओके द नेक्स्ट पर्सन द नेक्स्ट पर्सन इज़ फीलिंग दिस वे हालाँकि वैसा कुछ भी नहीं होता रिहर्सिंग प्लानिंग व टू से नेक्स्ट इस तरह से होता है ना आपके साथ कि जब भी आप कोई बात कर रहा हो अपनी बात बता रहा हो वी जस्ट गो एंड प्लान अबाउट दिस थिंग व्हेन व्हेन यू आर टेलिंग समवन अबाउट योर बैड डे दैट पर्सन इज टेलिंग यू अबाउट देयर बैड डे इन रिटर्न एंड देयर थिंकिंग कि ओके अब मैं इसको ये बताऊंगा कि मेरे पास साथ भी आज ऐसे हुआ है फिल्टरिंग लिसनिंग ओनली द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू रेलिवेंट टू यू सो आई हैव ऑब्जर्व दिस अलॉट के वन एवर समन इज टेलिंग देयर स्टोरी समन इज टेलिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंस द अदर पर्सन इज फिल्टरिंग एंड जस्ट फिटिंग दैट इंटू देअर ओन परसेप्शन एंड उसको उसी तरह से परसीव कर रहा होता है जजिंग एवेल्यूएटिंग द पर्सन एंड वर्ड दे से रादर देन रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दे सी द वर्ल्ड यू सी जजमेंट्स सो अग्रींग टू क्विकली विदाउट रियली लिसनिंग दिस ऑल्सो हैपन्स अलाउट कि किसी की बात ही ना सुनो अच्छा जैसे दोस्त भी आपस में ना एक दूसरे को यही एडवाइस करते हैं कि अच्छा अपनी जो है पार्टनर की बात सुनने की बस सॉरी बोल दो वहीं मामला ख़त्म हो जाएगा बात ही आगे नहीं बढ़ेगी बस बात ख़त्म करो सॉरी बोल के एंड दिस हैपेंस अ लॉट एंड जजिंग आल्सो हैपेंस अ लॉट के जब कोई भी आपको अपनी बात बता रहा हो तो यू जस्ट जजिंग ओह अच्छा ये तो ऐसा है ये वैसा है स्टफ लाइक दैट या फिर uh, उस बात को uh, अपने माइंड में रखना और उसी चीज़ को उस बंदे के अगेंस्ट यूज़ करना नेक्स्ट आर्ग्यू में कि तुम तो इस तरह से करते हो आप तो इस तरह से हो सो इट्स योर प्रॉब्लम सेंग नो असर्टिवनेस स्क्रिप्ट के बाद सेंग नो no का स्टेप आता है सेंग नो इज़ अ वे दैट प्रोटेक्ट्स रिलेशनशिप्स सो यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो से नो में तीन um, तीन किस्म के uh, तीन टाइप्स हो सकती हैं एक पावरलेस स्टाइल होता है जिसमें पावरलेस टाइल ये होता है कि जब आप विक्टम हुड में जाके जैसे अभी इनमेंट में आप कह रहे थे ना कि नहीं आज तो मतलब आप एक किस्म का उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं क्यों नहीं जा सकता दैट्स द पावरलेस स्टाइल इट लीव फीलिंग रिजेंटफुल इनमें से दोनों पर्सन या तो रिजेंटफुल फील <coughs> कर सकते हैं या फिर उनमें से एक पर्सन रिजेंटमेंट्स में जा सकता है The, the the next thing is hard edge style. This may up rude ho ke no bolt up like bas rude ho jate ho, you are always crying and I'm not like I'm not gonna listen, you know, like something like that. Assertiveness style is that validates the other person's needs and desires while setting firm boundaries around you will and won't do. So assertiveness style is the only style which is a grey area, which is something ki up दूसरे की फीलिंग को भी वैलिडेट करते हो कॉन्वर्सेशन में और फिर आप अपनी भी बात आगे रख सकते हो कि ओके आई वॉन्ट दिस आई वुड प्रेफर दिस नेक्स्ट है कि हाउ टू से नो हाउ टू से नो कि इस तरह के लाइक स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग से नो यूज़ दिस टू थिंग्स

हाँ आपके साथ बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है बहुत मज़ा आता है हमेशा लेकिन आज मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जाने में दैट्स इट जस्ट यू डोंट नीड टू टेल द होल थिंग दैट आई हैव टू डू दिस आई हैव टू डू दैट आई मीन यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ये हमें बचपन से ना हमारी फैमिलीज़ में सिखाया जाता है फज़ूल में पेरेंट्स ये ट्राई कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा हमें एक्सप्लेन करता जाए और आप कहानियाँ बना और कहानियाँ बनाना बच्चे वहीं से सीखते हैं हमारी जो मिलीनियल्स एंड जेन्जीज़ हैं जेंजीज़ आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलीनियल्स का ये इशू है कि उन बेचारों को कहानियाँ बनाना पड़ती थी बिकॉज़ देयर पेरेंट्स वो जनरेशन गैप की वजह से अंडरस्टैंड नहीं करते थे तो वहाँ से फिर एक्सप्लेनिंग का आता है कि हर चीज़ में अपने आप को एक्सप्लेन करना हमें ज़रूरी लगता है ख़ुद को तो ये चीज़ फिर अडल्टड में अपने फ्रेंड्स के साथ या जितने भी रिलेशनशिप्स एज एन अडल्ट हम फॉर्म करते हैं उसमें आती है इस तरह से दूसरी एग्जांपल है कि लाइक फॉर एग्जांपल ये जो गर्ल्स uh, में होता है कि गर्ल्स uh, भी ये जो प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स एक्चुअली प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स में ना बाउंड्रीज बनाना बहुत डिफिकल्ट है हमारी सोसाइटी में बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आई मीन इट्स नॉट इम्पॉसिबल Uh, लड़कियों में ये होता है कि फ्रेंड ने कहा कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं विंडो शॉपिंग पे चलते हैं इस वीकेंड पे लेकिन uh, जो दूसरी फ्रेंड है उसका दिल कर रहा है कि वो काम और रिलैक्स संडे गुजारे तो उसमें प्लेटॉनिक फ्रेंडशिप्स में ये होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है बाउंड्री बनाना और से नो करना कि ओ माई गॉड अब इसको नो बोल दिया तो ये नेक्स्ट पूरा वीक मुझसे नाराज़ रहेगी एंड वो जो एक डिसकम्फर्ट की फीलिंग है उससे बचने के लिए जो जस्ट वो डज़ दैट हैपन विद यू Okay. Uh, this is another sheet for making healthy boundaries, uh, which I uh, use with my clients. Uh, healthy boundaries. Uh, who do you, who do I struggle setting boundaries with? देन टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज के इस परसन के साथ पर्टिकुलरली मेरी कौन सी बाउंड्री वायलेट uh, हो रही है वट एम आई अफ्रेड विद हैपन इफ आई सेट बाउंड्रीज विद दिस पर्सन सो दीज आर दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लिंग क्वेश्चन एंड रिफ्लेक्शन दैट हाउ यू कैन स्टार्ट मेकिंग बाउंड्रीज और राइट सो वु समन लाइक टू कम हेयर टू डू अ लिटिल एनेटमेंट एंड थेरापी सेलो वट्स यूर नेम My name is Altmush, but you can call me Atish. Hi, Atish. How are you? I'm doing okay. Thank you so much for coming here for an expert session. Uh, so, um, wh wh what do you think? Uh, what are you struggling with? If we uh, talk about boundaries and assertiveness. But boundaries, it's more like um, there's certain people that I respect too much, and I believe that uh, they take advantage of that. They uh, Manipulate me, and I know that they are, and I struggle to basically tell them straight in their face that listen, I know you're manipulating me. The things that you are asking me to do, you should have done a long time ago. And uh, I basically, it's my problem of being too nice and being a doormat for certain individuals, and that is one of the reasons why I kind of struggle to. Uh, have a place inside of my own, uh, you know, inside of my own house. As I'd say. So that's the thing. As far as assertiveness goes, uh, these days i I think I'm doing okay as far as the assertiveness things. As far as assertiveness goes, however, I am kind of uh, some of some people that um, uh, that I interact with. They say that I'm starting to become rude because I. If, I, if uh, I don't like something, I simply tell them that I don't like it. Probably it's my um, being a little bit too assertive these days, probably. But um, due to my lack of understanding of how the world works, essentially, I, I'm struggling with uh, forming connections and I'm basically kind of uh, kind of like the hikikimori, uh, the people that are in Japan that are the modern day hermits. So I've kind of become like that. And uh, yeah, so that's really a problem. Me being um, just stuck in my room, not really speaking to anyone, and just spending the entire day hiding from reality. I suppose. I'm sure it must be very hard for you. Yeah, it is, uh, especially when you know that uh, the world was not made for a person like um, like me, and I'm not the only one who's struggling. Uh, there is a video that I uh, recently um, watched. Uh, it, was a gu it was a guy in a car, and um, he had kind of the same struggles that I did. And it was like uh, most people in the world can do things automatically, which people like me have to do manually. And uh, it was just like they have this some kind of a recipe or something. Uh, they're born with a certain skill that i wasn't born with and they can form connections and they can speak and they can interact and they can say things without thinking or probably they do things since i'm not them i don't know but for me it's all about uh, reading from a script all the time you're speaking about speaking from a script and but for me it's a script all the time sometimes i have to really um, you know uh, it's, it's a script for me every single day like it i do not know how to respond properly because of uh, because of lack of the skill set. I believe some people have something, some secret. Like it's kind of like everybody has. Uh, like they know. there's a classroom. There's a joke going on, and I'm not a part of it. I kind of feel that way. It's about for the world that there's some something, some strange thing in the world that uh, is going on, and I don't know about it. Like nobody told me what it is. I can understand. Um, can you please, uh, for me, uh, to understand more? Uh, can you please tell me a recent example or any recent situation where you felt this way, um, where you felt that your boundaries have been violated? I don't think that um, the way I interact with people, and there are certain things that I uh, that that I was. Um, that I'm asked to share, although I should not. And I think that uh, I should have uh, the right to only share what I want to share. And uh, there's, there are certain people who get offended when I don't share things with them. Kay. And what do they do when they get offended? Um, different forms of emotional blackmail. <coughs> Can you give me an example? I mean, uh, if uh, people like, um, it's a very common tactic to say that we have done this, we have done that for you, and uh, this is what we did, and you know, people have the same struggles that you have, and uh, basically downplaying what to, and also, um, you know, um, kind of, it's like they they say that we did this, we did that, and in, in in other words, basically. If we did this, you're supposed to do this as well because we did this for you. So you're supposed to do this for us. Which is pretty common. I mean, you uh, there's there's a there is a very simple uh, there is a very simple solution that I have, but I never say it. And that that's that nobody was born in this world because they wanted to be. It's that we were here, and nobody has the right to basically demand something, uh, even if even if you have given the world to them. It's um, of course. If, uh, if a person wants to do something for someone, it's because they wanted to do it. It shouldn't be because you gave something to them and you're, are, you feel entitled that you should get something from them. I think that um, um, nobody was here because they wanted to be. I'm pretty sure that uh, some of my friends, if they were given a choice, they would never be here. And uh, it's, it's just that people don't understand. So, as you said, that uh, when uh, people try to emotionally blackmail you and demean you, how does it, m it make you feel? I know that they're doing it, it's just that I'm uh, too much of a nice guy to say them flat on their face that this, this is what you're doing. How do you feel about that? I feel the world's a terrible place and people should know better. Okay. Do you feel something in your stomach? Do you feel anything in your body? I mean, I, I uh, did, uh, yeah, I if do. You, if you can name an emotion about it, I'd say I feel uh, like I want to stem after when I know that I'm being manipulated. Stimming is the is the is basically there are a lot, a lot of ways to stem. Sometimes you want to shake your leg. Sometimes you want to grab something and like press it really hard. There are multiple multiple like responses. So my response is mainly that I um, get become silent. I'm like. Mate, you're not making any sense. I'm like, okay, fine. Things like uh, what you're saying might be making sense, but it doesn't if you look at look at it from my perspective. So, it's kind of like that. Okay, so is, can we can we name it as resentment? Like when you say that I want to um, press something or you know shake. Uh, you can uh, I want to shake legs or you know the physical symptoms it creates in your body. I wouldn't say it's uh, like it, it, isn't, it isn't like uh, uh, a resentment, it's not that. It's more of disappointment. I'd say that it's, I'm disappointed that uh, uh, why can't people think the way I do, or maybe they, uh, I can't think the way they do, and it makes me feel disappointed. So it's either way, like if I can't think like other people do, then I am the oddball. And if people cannot think the way I do, then I'm still the oddball. So it's a lose lose for me. It's more of disappointment. I wouldn't say it's uh, resentment. I wouldn't say that. I don't resent anything. I, if I was given a choice, even though I'm suffering a lot, I'd not change anything. People would say that. Uh, people would say that. Uh, um, uh, if somebody would tell me that, hey, you know, give me your intellect and I'm going to give you a billion dollar, I'm going to say screw, uh, screw off. I'm, I'm, I'm happy with my intellect and I'm happy suffering, than being a dumb one of those dumb people that I don't like. I can understand. So, when people uh, violate your boundaries, you feel disappointed? Yeah, disappointed, and also that, um, generally speaking, I mean, there aren't many people in my life that can, violate, uh, that can violate my boundaries, but the ones that do mean a lot to me are often the ones that don't know, don't know what I like and dislike, even after many years being with me. All right. Thank you so much for sharing and coming on stage, atish Thank you. Thank you. So, um, what we have uh, spoke about here, um, I think that it's uh, it's not like it's less violating boundaries. I would say it's bullying. Bullying is an, uh, is a different topic. is a whole different topic. बुलिंग वर्क प्लेस पे कैसे होती है फैमिली में घर में पियर्स के बीच में दोस्तों के बीच में किस तरह से होती है वी कैन टॉक अबाउट बुलिंग इन सम अदर सेशन सो एनी वन हु इज़ गोइंग थ्रू सम बाउंड्रीज इशूज़ एंड वॉन्ट टू शेयर एंड वॉन्ट टू डू अ अटल श्योर थैंक यू सो मच फॉर You're welcome. So, my name is uh, Azan Bawar, So, my name is Azan Bauer But uh, uh, past uh, some months, I uh, give myself uh, a nickname, and I gave uh, myself a nickname, Alex. So, Alex basically run, uh, start his twenty twenty four by running a marathon. You uh, know, uh, which was uh, organized in Islamabad uh, by a company, Islamabad Run with Us. So it was a great experience for me. So sounds great. So this was about me, and I am an economics student from Namal. And uh, let's come to the enactment. So basically, what I am struggling right now is that uh, we are three friends uh, from childhood. We are together. Uh, my name is, uh, as I tell you, Azan Bauer. Uh, they call me Alex. My second friend is Talha, and uh, third one is Danyal.

तो एक सर्टन एज आती है आपके फैमिली में के आपको घर में बताया जाता है कि आपके दोस्त कमा रहे हैं कोई बाहर चला गया है कोई दुबई चला गया है कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन गया है कोई मकैनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो हम जब अपने दोस्तों में बैठते हैं आपस में तो हमारा एक ही रोना दोनों होता है यही फाइनेंशियल कि कौन वो क्या कर रहा है जो कमाने लग गया है नाउ ही इज़ डेवलप एंड जो नहीं कमा रहा तो बस वो ही इज़ लाइक नो बडी ही इज़ यूज़लेस पीस ऑफ सोसाइटी मतलब बैड कमेंट्स तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फ़ादर आपको इंक्रेज करते हैं आपके फादर आपको कहते हैं एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो एंड

तो बाउंड्री ये है कि जैसे कि हर किसी का कोई प्लान होता है उसके फ्यूचर के लिए तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैंने थोड़ा सा आर्ट वर्क में जाना है लेकिन एस इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड तो फिर यही है कि उसमें एस देर इज़ अ प्रेशर ऑफ योर फैमिली और सोसाइटी इन्वायरमेंट दैट सम थिंग एंड शो समथिंग देन योर अटेंशन इज़ to the other page that i have to run two ships uh, first i have to play with uh, like in the family and the society that i have to show that i am uh, doing what they are asking and then i have to uh, dealing at the same time with my passion which is artwork ultimately my goal is to uh, successful this uh, second domain artwork so it uh, tends to show them back that if someone pursue passion, so uh, along with it, it can also sort out financial uh, problems too. So, like I see in Pakistan, that uh, people struggle uh, their whole life on, 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 and at the end of the day, still they are unhappy. Mm -hmm. So, what I found out uh, it's uh, if you find your hobby and your artwork so it can heal you and recover you and, and early stage of life you can pursue a happy life so this is the ultimate goal <laughs> like a uh, problem is i see many uh, people in uh, my society who can be a cobbler or a tailor they are more happy than the other who are earning very a lot of money like nowadays i see a chartered accountant unhappy but uh, some small businessman ready wallah happy. So from this I draw a line that happiness has nothing to do with financial things. But uh, again, the people in the house and uh, everyone around you in environment, socially, they believe in uh, visible things, phys uh, physical quantities, application. So then um, what I uh, draw a boundary in my life uh, is that uh, uh, my uh, Basically, my goal was to draw a positive boundary that I, for some time, I started disconnection with uh, family and with friends, and same with these two friends which I talked earlier. They did the same. Uh, our goal was like six months to draw boundaries, just in uh, take a room in house and start working. But uh, this disconnection uh, uh, turned into long term, year, uh, one a half year. And now things are very much disconnected. Like it becomes permanent. Uh, so, and now when we see that, we have to go back to the happy time. So now it is like uh, we cross m very much. Like uh, what we want to do is like to have a positive boundary, but it uh, turns into isolation, then anxiety, depression, and all sort of things. Like understanding, as uh, brother Atir, uh, Atish uh, mentioned, reality problems. As he told uh, that how the world works and a lot of these uh, concepts and as you tell about the biological problems. So yes, I was willing that someone ask me. Definitely, biological problems occurs like uh, sleeplessness and uh, uh, when you wake up, your uh, body uh, low blood pressure, low uh, uh, blood pressure level, low sugar level. So, my family uh, tell, uh, believes that it is medical problems, but what I believe it is actually problems arising from my mental health conditions. So, so now uh, recently in my life, uh, what's going on is, uh, I met uh, one of my teachers. He is basically doing hiking, running. So, seeing him, uh, I started these things. So, it is improving things inside me. So I feel it that something inside is uh, unadjusted, but adjustment is started. So, but uh, once again, uh, these hiking things uh, require in Pakistan a lot of time. When I will go to the mountains, then I will feel uh, healful. But you know, when you go back to your house, there's, there is a, a dimension in which uh, you have to doing something else. Your parents, uh, your सोशल फैम इनक्रेज यू दै हाउ वाज योर डे डू एनी इंटरव्यू सो दीज थिंग्स स्केयर यू बिकॉज योर फाइनेंशियल प्लान इज समथिंग टोटलील्स तो यही रोना तो होना है बस मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी वो अंदर की बात क्या है कि करना कुछ चाहते हैं और कर रहे हैं कुछ हैं तो सीन है तो बाकी ये है कि आतिश भाई के साथ एग्री करता हूँ टोटली इनका यही है कि और डेफिनेटली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इससे बड़ी क्या है कि इंसान का जो फेस है वो ऐसा दिख वो ऐसा राई नहीं जैसा होना चाहिए था मतलब आई एम ट्वेंटी थ्री इयर ओल्ड आई शुड बी लाइक स्माइलिंग हैप्पी और लेकिन लेकिन यही है कि इट इज़ नॉट टू हैप्पी इट फील्स लाइक एग्जॉस्टेड सो यही है जैसे आपको पता है सांस छना तो ये भी एक सोशन है क्योंकि इतना सारा सर के ऊपर एक प्लेनेट सिस्टम सवार कर दिए कि भाई इतना कमाना है यहाँ पर घर लेना है फिर अभी नाउ आई टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी एस यू से रिसेंट एग्जाम्पल सो वी आर टू वी आर टू किड फैमिली माई पापा गवर्नमेंट सर्वेंट एंड माई मदर हाउस वाइफ सो My mom tell me that she want to tell me something and it will only take two minutes so what i say uh, sorry mama i am too busy uh, assertiveness and something so you tell chota mamu or uh, to my sister uh, which uh, second child of uh, my mommy papa is my sister so so she will coordinate with me so let's do this way like indirect so she say oh no no only two minutes will it take so uh, now thing is, uh, I was at that time uh, going to hiking. So I tell mama that if you tell something, I totally know that it will mentally uh, zero me. And now this hiking chapter will close. So let me come back from hiking. Then let's start this this two minute thing. So she tell me that Azan. Uh, so she start talking then. Uh, uh, although I say I don't want to listen. So she said, oh, "You are oh, oh, your sister, brother, and there is a rishta coming from your, for your sister, and he is here So I say, the, "This is very good thing. I am very happy for my sister, but that domain and topic you are sharing with me is out of my expertise and experience. So it is out of my mental capacity. <laughs> so, and this is really as cute. you know, I am uh, right. No money right now. I am feeling more <laughs> uh, fair." what will i give my sister etc etc so so by f by fair we have a small plot in village so i say that uh, mummy uh, what i am telling you is do a do a lawyer and tell the lawyer that uh, azan wants know this thing from plot give also this uh, letter percentage to his sister this is what i give her right now so then started, and fight started, neighbors <laughs> come in, and uh, one of my favorite child got, yeah. and, and and then I was on the Sorry. on the ground, like uh, 10 to 15 minutes, and my friends come up, so my oh, friends oh, say, oh, Azan, you so are cute. unconscious, come on, we take you to hospital. So I, t I uh, look my friends like this, that I am okay, but I am in front of them unconscious. So then, then a friend came, get up me. What is your problem? Get up. Uh, you are okay. I say I am okay. I was just uh, uh, doing all this that to have a little boundary in this unconsciousness, which I was 15 to 20 minutes on the ground, was <laughs> happiest day time of my life yeah. because I was unconscious and <laughs> inside me I was know <laughs> that I am happy. <laughs> So now, um, you know, when uh, this uh, friend comes in, they uh, place their hand uh, <laughs> like this. So all I want is like this from my family. <laughs> but they do this tradition. <laughs> yes, so. so this is, uh, so you can help me in this thing, ma'am, that <laughs> how to construct a new boundary. Which uh, l uh, <coughs> last in long term, and uh, and this uh, is a short story, so <laughs> <yeah>. <laughs> a sketch, an idea. What is so. so brown family actually? <laughs> no, not my, not my problem actually. I'm from a brown family. So, but in this brown family now, I uh, uh, invented Alex. He's from white family. So I give uh, myself a new name. I want to be reborn again with new thought, new chemistry. Mm. So do want to do some different thing. Want to do an artwork. So trying, trying, and one day maybe it work. And never give up thing. So this, this is it, ma'am. And then up to what they say, proceed. कहते हैं तो बोलता रहता हूँ शाम तक कुछ नहीं बताने को बहुत कुछ है तो अभी इस तरह तो मैं बैठता हूँ आप इस पे आप थोड़ा सा तजिया दें ठीक है आई हैव टू क्वेश्चंस ओके ओके फर्स्टली आई रियली अप्रिशिएट योर थाट्स अबाउट योर करियर लाइक आप में ख़ुद से एक चीज़ लाइक इवन विदाउट थेरेपी आप में एक ये चीज़ आई कि आपने कहा कि नहीं पैशन इज इंपॉर्टेंट एंड वेन आई फॉलो माई पैशन मनी विल फॉलो मी मीट दैट्स रियली आई आई रियली अप्रिशिएट दैट अगर आज तक आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ आपकी इस थाट से लाइक इट्स इट्स सो इंस्पायरिंग कि आप so इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो वहाँ पे मुझे ये फील होता है कि आपको ये बाउंड्री इश्यू आ रहा है अपनी फैमिली के साथ क्योंकि फैमिली ये चाह रही होती है कि बच्चा उस फील्ड में जाए कि जहाँ पे जल्दी से अर्निंग स्टार्ट हो जाए yes. लेकिन पैशो पैशन को फॉलो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सो फैमिली डजेंट वेट फॉर दैट एंड उनके अपने मिथ्स होते हैं कि अच्छा नहीं इस पैशन में तो कभी कुछ इस फील्ड में कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में ये करोगे इंजीनियरिंग कर लो या चार्ट अकाउंटेंट बन जाओ समथिंग लाइक दैट तो आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे एक ये चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको बाउंड्री क्रिएट करने में इशू हो रहा है दूसरी चीज़ मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रही थी आपके वो तीन दोस्त आप जो तीन दोस्त थे उस सिचुएशन को आप लोग मूव आउट हुए आई जस्ट कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट सिचुएशन माई फ्रेंड्स यस where you actually said that i am facing boundary issues there okay uh, when we go to university so we start living different environment like at the high school things were different but mm. in university people were much mature straightforward like do this course do this to go abroad that's it problems occur when you want to do not like the rest so this problem exists in me daniel and talha we are three friends and situations become hard for us like for myself i tell you that i not go align with my family hi, yes which i should but uh, i don't know that in long term it will lead to disconnection same with talha daniel like now if i tell you about me so Right now I'm pursuing studies, and the goal is to financially independent and start a career. Talha was living with me uh, one block to another. His father retired, he go to uh, I-14. I live in I-94, Danial live in I-8. And uh, sometime we not meet uh, one another like a month. So when I meet Daniel, I tell him that you again isolated. I again isolated. We are not meeting. So he said no. We are just uh, you know placing first myself altogether, then placing the geometry of family shape things all together, and in this placing the shapes and geometry time is passing. So thing is that uh, not have a chance to tell. Like speak your uh, speak your heart thing in front of family and everyone that who we are, what we can do, what we can deliver. And yeah. give us some time and space. But uh, the dictionary some um, not match, and, and so connection not build up. But there are some uh, people who are your ho final hope, with whom you are still connect, are still connected, and still connecting. So these three friends, uh, we are brown family. Our papa government servant. So we have a same thought. So when we, the best thing is uh, which is for for me is motivation. By seeing one another face, we analyze what is going on. We don't have to speak much. And he tell me that the time is passing. Let's have a cup of tea or some. His favorite is. Uh, Dalmash and chai. So let's go to this topic. That time is passing, let's have an escape. We will have a cup of tea here, then we will get back to again the black and white picture. <laughs> so let's have this colorful moment. And may there uh, and we close the things like with there is always a tomorrow. And may the tomorrow brings care for all uh, humankind. So this is how uh, cycle is. Going. And more so you want to know something deep inside, I can tell you like w at, at what uh, um, term you are asking, like my friends' connection, like what thing, uh, what I tell you about them or about um, me more. Uh, I have so many probing questions like the story you just told me, the little story and the career issue. Hmm. I have so many questions. Ma'am, I will give you my email, you know. email me solution. <laughs> this is, a, <laughs> this can be good. Everyone uh, everyone give problem, then uh, with email, ma'am will send you solution. I think you should have a separate session with ma'am. I tell you, I will give email and ma'am, you send me a solution <laughs> if, this, if this works. Uh, hmm? All right, uh, thank you so much, Alex. Uh, we have okay. to wind up the whole session. Yes. Um, I mean, th thank you so much for um, telling this story in a very cute way. Hmm. Yeah, it, it's great. Thank you. Thank you, thank you so much. <laughs> so um, Alex, ne do an issue with hai house, Uh, एक जो चीज़ जो यहाँ पे हमारे सोसाइटी में ऑलमोस्ट एवरी अदर स्टूडेंट एवरी अदर पर्सन एवरी अदर यंगस्टर फेस कर रहा है वो है कि हम परसू कुछ करना चाहते हैं करियर में और हमें पेरेंट्स हमारे कुछ और चाह रहे होते हैं और उस वहाँ पे फिर आप बाउंड्री बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज पेरेंट्स को समझाना इम्पॉसिबल सा लगता है कि ओके okay, uh, जो एक नया वो है ना कि एक वी कैन से एन एडवांस्ड एंटरप्रोर कॉन्सेप्ट के वट हम जो भी वर्ल्ड को देते हैं सर्व करते हैं वर्ल्ड जो है वो मल्टीप्लाई uh, करके मनी हमें खुद फॉलो करती है आई I मीन mean, मैंने जब साइकोलॉजी uh, परसू की थी तो माई डैड इज स्टिल एंग्री विद मी के क्यों तुमने लाइक यू यू हैव टू बी अ सी एस पी ऑफिसर और यू हैव टू बी अ डॉक्टर समथिंग लाइक दैट वाई डिड यू चूज दिस इसका कोई स्कोप नहीं है इसका कोई एंड नहीं है बट आई क्रिएटेड स्कोप इन दैट एंड नाओ माई क्लास फेलोज़ एट दैट टाइम दे आस्क मी दैट हाउ कैन वी बिकम लाइक यू एंड हम क्या परसू कर सकते हैं साइकोलॉजी में और मैं सबको ये बताती हूँ कि आप अपनी खुद क्रिएट कर सकते हैं एंड देन मनी एंड एवरी थिंग लाइक फॉलोज़ यू अपॉर्चुनिटीज़ आर एवरी वेयर इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वेस्ट में ज़्यादा है इट्स नॉट लाइक दैट सो ये चीज़ समझाना मुश्किल हो जाता है लेकिन बाउंड्रीज़ क्रिएट की जा सकती हैं वहाँ पर मैंने मेरा एक लॉन्ग जर्नी है बाउंड्रीज़ क्रिएट करने का अपनी फैमिली में भी बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्राम वेरी ट्रेडिशनल ब्राउन फैमिली बट आई हैव क्रिएटेड बाउंड्रीज एंड नाओ एवरी वन नोज कि वो मुझसे क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी <coughs> कहाँ पे मेरी uh, कहाँ पे मैं अपनी बाउंड्रीज़ को फ्लैक्स flex, फ्लैक्सीबल कर सकती हूँ कहाँ पे नहीं कर सकती दे दे नो सो दे ट्रीट मी देट दैट वे बट दे ट्रीट अदर किड्स ऑफ द फैमिलीज़ द सेम वे क्योंकि उन्होंने बाउंड्रीज़ नहीं रखी एंड मैंने स्टार्ट की बाउंड्रीज़ हमारी फैमिली में प्रॉपर एक शिफ्ट आ गया था लाइक माई डैड यूज़ टू यू नो नॉक एट द डोर जो किसी बच्चे के रूम में जाते थे मेरे वो मेरा रूम वॉशरूम कुछ भी अगर यूज़ करना हो मेरे रूम से सब नॉक करके आते थे लाइक like, ये इस तरह का इन्वामेंट आ गया जो कि पहले नहीं था और ब्राउन फैमिली में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता एंड दे जस्ट वॉक इन टू अ कपल्स रूम मिडल ऑफ द नाइट विदाउट नॉकिंग ऐसा होता है ना तो ये चीज़ मेरे घर पे अब माशाल्लाह है और मुझे कहना नहीं पड़ा Uh, मैंने इनडायरेक्ट वे में बाउंड्रीज बनाई हैं एंड एवरी वन एल्थ फॉलो मी सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल इट्स पॉसिबल इट्स जस्ट यू हैव टू स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको क्रिटिसिजम फेस करना पड़ेगा बट आपने नाइसली अपनी बातों को रिपीट करना है सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन कुछ ए, एक ऑनलाइन क्वेश्चन है और मेरा ख्याल अगर से ऑडियंस में, में, में से भी कोई इंटरेक्ट करना चाहे लेकिन बहुत शॉर्ट क्योंकि yeah, uh, okay, sure. आप इसको एड्रेस कर चुकी हैं लेकिन ये इवेंट स्टार्ट होने से पहले हमें ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आया बड़ा mm -hmm. असरार था कि ये ज़रूर आपसे पूछा जाए आप कर चुकी हैं लेकिन मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ कीपिंग हर नेम नॉनमस शी शी इज़ अ लेक्चर इम्बॉटनी मैं खरीदना बता सकता हूँ और मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ कह रही हैं कि उनको अपने जो ट्रू इमोशनल सेल्फ है जो भी उनकी नीड्स हैं उसको मास्क करना पड़ता है ज़ाहिर एक कॉम्प्रोमाइजिंग आस्पेक्ट आ जाता है जिसमें उनकी अपनी ज़ात जो है और ये एक फ़र्द की बात हो रही है जो हमें से कोई भी हो सकता है वो पीछे रह जाती है वो ज़ात और दूसरों की खुशनुदी दूसरों को फोकियत देना वो हावी हो जाता है और अगर ऐसा ना किया जाए या अपनी ज़ात के लिए आवाज़ बुलंद की जाए या जिस तरह आपने नोक कहने का कहा अगर इनकार किया जाए तो उससे एक एक, एक आप कह लें कि अनकम्फर्टेबल सिचुएशन बन जाती है कि सारे लोग आपके बरखिलाफ़ हो जाएंगे या बुरा मनाएंगे और आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उन्होंने फसाद का लफ्ज़ बोला है, कोटेशन मार्क में कि अगर मैं खामोश रहूँ तो बस यूँ है कि कोई फसाद नहीं अगर बोलूँ तो एक बड़ी एक मसला बन जाता है दूसरा ये कि आपको ये कंडीशनिंग की जाती है हमारे समाज में कि आप अपने राइट्स को गिव अप कर दें क्योंकि आप तो एक है ना लेकिन फैमिली जो है वो तो बहुत ज़्यादा है और आप एक की वजह से बाकी क्यों सफ़र करें तो एक ये एलिमेंट है दूसरा ये कि वो कह रही हैं कि देर इज़ ऑलवेज अ ग्रेट डिज़ायर इन मी टू बी एक्सेप्टेड बाई पीपल अराउंड मी स्पेशली माई फैमिली मेम्बर्स और आ, और ये कि नहीं आप सबर करें और आपको इसका अजर मिलेगा तो हम दुनिया में अपने राइट्स गिव अप कर देते हैं और हम इमोशनली मैनिपुलेट होते हैं आप इस पर कर चुकी हैं बात लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मौजू ऐ कि इस पर एक मरतबा फिर कोई आप उनको कोई नसीहत करना चाहें तो करें मोर ओवर आज के सेशन से हमने देखा कि सेल्फ कैथारसिस की कितनी ज़रूरत है हम सब कुछ जहाँ जितने यहाँ स्टेज पे भी हमारे दोस्त आए तो दे वॉन्टिड टू एक्सप्रेस दैम और मैं समझता हूँ कि इस इस नुकते की तरफ हमें बार बार ज़ोर देना चाहिए कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मुकालमा गुफगू कम्युनिकेशन ये जो इबलाग है ये reflection. इसको हमें नॉर्मलाइज करनी चाहिए ये और ऐसा करना या साइकोथरेपिस्ट के पास जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कोई इस चीज़ की इलामत नहीं है कि आप कोई किसी जहनी आर्जे में मुब्त है बल्कि इस चीज़ की लामत है कि आप अपनी वेलबींग well के लिए कंसर्न हैं शुड बी नॉर्मलाइज्ड नाउ ओवर टू यू thank you Nair. um I think that's a very important question coming from a female uh, the female I have seen around me and i have worked with my clients and everyone like every other e female faces this problem or females ko manipulate भी easily किया जा सकता है religion पे के अगर चुप रहोगी सबर करोगी तो सवाब मिलेगा this and that मैं उसपे किसी और दिन बात करूँगी या मैं अपनी उसपे अपने page पे video डाल uh, दूँगी I have to talk about this के जो parents जो हमारे सोसाइटी uh, में एक जो है ना मिथ है जस्ट ये कि पेरेंट्स को अगर आप पेरेंट्स के साथ बाउंड्री क्रिएट करो तो दैट्स अ गुना इट्स नॉट लाइक दैट दैट्स अ असकनसेप्शन आई विल टॉक अबाउट इट ऑन सम अदर सेशन बट फॉर नाउ आई थिंक ये जो असर्टिवनेस की मैंने चीज़ें बताई हैं दैट विल रियली हेल्प टू फीमेल्स हु आर वॉचिंग फ्राम होम लेकिन ये है कि देखें सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है जिन चीज़ों से आप अनकम्फर्टेबल फील करते हैं यू हैव टू कन्वे टू द टू द पीपल अराउंड यू मैंने जैसा कि पहले स्टेट किया कि पहले स्टार्टिंग में बहुत कैस क्रिएट होगा क्योंकि आपके जो आपका एक नया वर्जन जो आपका रियल वर्जन है वो सामने आता है जब तो जो आपका पुराना वर्जन है उससे लोग यूज हुए हुए होते हैं लेकिन उनको ज़रा एक्सेप्ट करने में चेंज को वैसे भी एक्सेप्ट करने में प्रॉ प्रॉब्लम होती है लोगों को बट लेकिन आ, आपका जो पुराना वर्जन है उसको फॉरगेट करने में और नए वर्जन के साथ यूज्ड टू होने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है वो नाराज़ भी होंगे बहुत कुछ होगा बट देन एट द एंड ऑफ द डे देर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड अंडरस्टैंड बिलीव मी आई एम टेलिंग दिस माई फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मेरे लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े थे बाउंड्रीज क्रिएट करने में अपने अपनी बात को रखने में बट आई नेवर स्टॉप एंड आई स्टिल डोंट स्टॉप वेर एवर आई गो I, I talk to people how to treat me, and for females, it's really important that we tell people how to treat us. It's not like you are being treated like a doormat, ja and you just go there. That. That's, that's not working anymore because for our generation, it's not going to work. We have so many challenges. We have anxieties. We have se leave the house. As Alex said, we wake up in the morning. पता नहीं दिन के लिए कैसे आगाज करते हैं अपनी एनजाइटीज़ के साथ डील करते हैं सेशन में आने से पहले एनजाइटी से डील करते हैं ऑफिस जाने से पहले डील करते हैं यहाँ सेशन में आने से पहले मैंने डील किया सो आई नो हाउ इट फील्स सो बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल बिलीव मी थैंक यू वेरी मच रमल of uh, going into self-reflection and everything. thank you very much for this uh, nice session. My, uh, thank you question for appreciation. Is, uh, regarding uh, uh, quitting, whether it's a job or a serious relationship, for example, if nothing works, if we try to create the boundary, if we try to uh, do all the self-assertiveness and all that uh, 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 is not working, do you recommend at a stage quitting out of that uh, toxic environment or that uh, <coughs> situation or that culture or that relationship. I know quitting is really uh, very hard. Leaving a job is post-COVID really very difficult or leaving out of a relationship is d definitely difficult post-COVID in the recent dynamics. But do uh, as a psychotherapist, as, as, a, as a clinician having a you know, wide uh, spectrum of experience, do you recommend quitting at a stage Number one, and another question is: If what if you are on the recipient end of that uh, thing, where someone has started? You know, we all develop with time, and we all, uh, when we start a journey or when we start a job, there is a stage, and when we start a relationship, there is a stage. And after some time, we may feel a little bit, you know, diverse or different in, in 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 many ways. So. What if you are on the recipient side of this boundary? Someone has started making this these boundaries thing, and rather, I would I would call it as over boundaries. So th there are two questions basically on both sides of the table. Thank you. Thank you so much for questions. Uh, these two are really important questions. I will wind up karungi. Uh, first question is: uh, ke, um, uh, Quitting is an option or not? सी जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं ना आपको अपने बॉडी आपकी बताती है कि कौन सा इन्वायरमेंट एब्यूजिव है और कौन सा इन्वायरमेंट टॉक्सिक है और कौन सा इन्वायरमेंट ऐसा है कि जहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं राइट right? अगर तो ऐसा इन्वामेंट है जहाँ पे आपको लगता है कि बात करने से बाउंड्री स्टेट करने से चीज़ें ठीक हो सकती हैं यू कैन डू दैट इफ़ देर इज़ अ टॉक्सिक इन्वामेंट टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आप अपनी बाउंड फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले रखते हो और आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो कि जहाँ पे जिन जिन लोगों के साथ आपका डेली इंटरेक्शन है उनके साथ आप बाउंड्री बा। सेट करने की कोशिश करते हो एंड यू जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरी अदर थिंग यू जस्ट पुट योर हेडफोन्स ऑन एंड यू जस्ट डू योर वर्क एंड कम बैक एंड दैट्स इट राइट थर्ड अगर अब्यूजिव इन्वायरमेंट है दैन थेरेपी भी यही कहती है एंड अगर अब्यूजिव रिलेशनशिप है इट्स अ फिजिकल अब्यूज़ और मेंटल अब्यूज़ जहाँ पे आपको अटैक किया जा रहा है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल दैट दे लाइक एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है ऑल द टाइम बुली किया जा रहा है जहाँ पे तो इस तरह के इन्वायरमेंट में से एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है देन यू हैव टू क्विट एंड देन क्विटिंग इज एन ऑप्शन द अदर थिंग द अदर क्वेश्चन यू हैव इज़ अगर आप अदर साइड पे हो देखें आप अगर अदर साइड पे हो ना तो कोई भी पर्सन पॉजिटिव बाउंड्री भी बनाएगा तो आपको वो बहुत ज़्यादा ही लगेगा बिकॉज़ वो उस पर्सन को आपने उस वर्जन में देखा ही नहीं है आप उन्हें उस पर्सन को ऑल द टाइम अवेलेबल देखा है एज अ डोरमेट देखा है लेकिन जब उसने बाउंड्री जरा सी भी बनाना शुरू की तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज लगेगा बट इट्स ओके जहाँ जो मैंने बात की ना असर्टिवनेस लिसनिंग की असर्टिवनेस लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनिंग इम्पोर्टेंट टेल मी मोर अबाउट दिस हाउ डू यू फील अबाउट दिस ओके वट वट इस योर सोल्यूशन फॉर दिस वट डू यू वॉन्ट इट टू बी लाइक समथिंग लाइक दिस इस तरह के आप जब प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे तो अगला बंदा एक्सप्रेस करने की करेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके ये रिजिड बाउंड्रीज है या फिर ये अपजिटिव बाउंड्री है जो आप बात कर रहे हैं ना कि बैरियर उसको हम बैरियर बोलते हैं थेराप्यूटिक टर्म में कि कहीं बैरियर तो नहीं है बैरियर वो होता है कि जिसमें इंसान अपने अराउंड बहुत बड़ी वॉल्स क्रिएट कर लेता है और वो हेल्दी वे में ऑपरेट नहीं कर रहा होता अपने इन्वायरमेंट में किसी के साथ भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में दैट्स अ बैरियर सो यू कैन डू दिस प्रॉब्लम क्वेश्चन टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट ओके इफ दिस इज़ अ जेन्यून बाउंड्री और अ बैरियर इफ दिस इफ इट्स अ बैरियर दैन दैट पर्सन नीड्स थेरापी या हाँ uh, मैम दो तीन सवाल है uh, शॉर्ट ही रखूँगा जल्दी जल्दी से आपसे जवाब का चाहूँगा अच्छा पहला सवाल तो यह है कि पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन और टॉक्सिक रिलेशन इन तीनों में बाउंड्रीज़ या फिर बेंच क्या होना चाहिए पहला सवाल ये है सेकेंड सवाल ये है कि अगर किसी इंट्रोवर्ट बंदे से आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो उसने तो अपने इर्द गिर्द बैरियर बनाया होता है ना तो आप उससे इंटरेक्ट कैसे करेंगे या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको नज़र आ रहा होता है कि दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट लेकिन वो आपको वो स्पेस नहीं देते कि आप उनसे बात कर सकें या उनकी बात सुन सकें तो उनसे कैसे डील किया जाए और तीसरी तीसरा जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से एक सवाल है कि अगर एक रिलेशनशिप है और दो जो बंदे हैं दो शास्त जो हैं वो आपस में बात बिल्कुल नहीं करते सिर्फ सलाम दुआ

आपकी बॉडी आपको बताती है जब एब्यूजिव इन्वायरमेंट में आप होते हैं तो आपकी बॉडी आप पैनिक फील करती है यू हैव टू कनेक्ट विद योर बॉडी हमारी थेरेपी में हम स्टार्ट इससे करते हैं कि यू हैव टू कनेक्ट विद योर बॉडी यू हैव टू आई गिव माई क्लाइंट्स इमोशंस चार्ट कि अपने इमोशंस को प्रॉपर नेम देना है इट्स नॉट लाइक जब हम एम्प्टी फील करते हैं तो हम कहते हैं हम डिप्रेसड हैं डिप्रेशन इज़ अ वेरी ह्यूज टर्म एंड उसके बहुत से आगे ऐसी चीज़ें हैं इट्स अ वेरी बिग टर्म सो इट्स एम्प्टीनेस सो इस तरह से ना क्लाइंट्स को हम ये कहते हैं कि आप इसको अपने इमोशंस का एक चेक एंड बैलेंस रखें कि आप क्या फील करते हैं सो आर बॉडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम जो कि हमें बताती है कि कौन सा इन्वायरमेंट कैसा है कौन सा इन्वायरमेंट एक्सेप्टेबल है या कौन सा नहीं एक्सेप्टेबल आपका दूसरा क्वेश्चन था वट्स इंटरवर्क पर्सन से जिसने अपने अराउंड जिसने yeah. नम किया वो खुद को और अपने अराउंड wait be there for that person and listen yeah be there for that person to open up on their pace thank you thank you thank you you're welcome